सरकार गांजा भांग पी करके पूरा नेता घर में मस्त है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट 6 दिनों में आते हैं शिवान हुसैनगंज के वीडियो से। अब जब हमारे वीडियो सुरक्षित नहीं है, 50 से 40 चाहिए टेक्नीशियन, जिसमें 21 है, जिसमें 7 पॉजिटिव हो गए लगभग, और डेटा ऑपरेटर भी नहीं है, जिसके चलते 6 दिन 7 दिन जांच रिपोर्ट में लगता है, और जांच जब तक नहीं होती है तब तक वो सही इम्प्रूव नहीं कर पाता है, और उसके बाद लगभग वो डेथ कर जाता है। डाटा ऑपरेटर आज पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट साहब ने भी कहा कि मेरे पास कोई डाटा ऑपरेटर नहीं है, मैंने लिखित किया है, टेक्नीशियन का वो है, लगभग लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। ये पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि लगभग लोग हो चुके हैं। अब पोर्टल बंद रहता, आश्चर्य होगा आपको कि लैब भी बंद है। अब सरकार कह रही है कि हम एनएचएस वहां 500 हमने बेड कर दिया, और आप रेमडेसिविर दवाई आप वहां एक भी नहीं है, सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं मेरे पास एक भी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि इस बीमारी में रेमडेसिविर नहीं लगेगा, हाईकोर्ट में उसने हल्फनामा मांगी। सरकार 6 करोड़ रुपया में कहती है कि मैं खरीद रहा हूं, डॉक्टर इसकी लूट लगा दिया है, लगभग जो पेटेंट है और जिसने भी ये फैक्ट्री लगाया, सिपला हो, यहां पर कोई संजय बबुना है सिपला का, यहां पर एक मैनेजर है आलोक, वहीं पर एक दीपक, ये लोग ड्रग्स इंस्पेक्टर और ड्रग्स डीसी एसी से मिलकर के 40-40 हजार रुपये में बेचवा रहे, 40-40 हजार में बेचवा रहे। आपको आश्चर्य होगा, एमजी रोड में इसकी नंगे नंगा नाच, जीएम रोड 35 हजार 40 हजार 12 हजार, नेपाल से 100-150 फाइल हमको मंगाना पड़ा, लगभग लोगों की स्थिति यहां बुरी है। अभी हमारे वीडियो साहब इनके यहां स्थिति आप जानिए, इनकी वाइफ वीडियो है, वो सीरियस है। अब मुझे, मैं मांग करता हूं कि अविलंब सरकार इस पैनिक रेमडेसिविर को पैनिक ना बनाए और इसको बैन करे। सॉल्यूशन है ऑक्सीजन, सॉल्यूशन है जांच, वेंटिलेटर भी सॉल्यूशन नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ सॉल्यूशन है। अब दूसरी दवाई एक जगदीश नर्सिंग होम ये लिखना शुरू कर दिया, एसपी सिभैया ये लिखना शुरू कर दिया, और इसमें करोड़ों वो आलोक कमा रहे हैं, डॉक्टर आलोक, जो मन में आ रहा है ये चला रहे हैं। क्यों भाई, जब डक्सोना है, उसके बाद उसका रिमेनिंग डक्सोना के साथ क्या है मुन्ना बताओ, डेरी फाइलिंग है, डेरी फाइलिंग है, विटामिन है, लूट लगी हुई है। कोरोना, आपको आश्चर्य होगा, कोरोना वार्ड में कोई लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला नहीं है, सब पॉजिटिव हो गया। पीएमसीएच की स्थिति सबसे गंदी, जो कोरोना वार्ड में है वहां पर खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। अभी मैंने वीडियो भेजा आप लोगों को, वहां के लोगों की शिकायत है कि कोरोना वार्ड में सफाई नहीं है, एनार्की है। सरकार गांजा भांग पी करके पूरा नेता घर में मस्त है, भांग गांजा दारू हफीम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन पॉलिटिशियन को। 12 हजार रुपया एक एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के लिए लिया मेरे सामने, फिर उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए 12 हजार, मतलब यदि वो 3 हॉस्पिटल ले जाएंगे तो 36 हजार रुपया, 4 ले जाएंगे तो 48 हजार रुपया। कितनी बुरी स्थिति है, मैं इनको लेट नहीं करूंगा, चूंकि आप ले निकले, ये एक डोज पहले आप दिलवाए, आप उसकी घबराए नहीं इसकी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है इनके जीवन के लिए,
फिर मैंने सभी लोगों से आधार कार्ड मंगवाया है और मैंने ड्रग्स इनसे भी कहा आधार कार्ड भेजिए और इनको ट्रस्ट है इसी दवाई पर। अब मेरे पास उपाय क्या है? इनके कौन एडमिट है? वीडियो साहब है, कहाँ के हैं? कहाँ के हैं जी? शिवान हुसैनगंज के वीडियो साहब। अब जब हमारे वीडियो सुरक्षित नहीं है क्या होगा? इसके पहले एक वीडियो डेट कर गए, आप जाएं और एक बार सामने आप टच करें, क्या हालात है आप जरा सा बताइए। चलिए आप स्थिति खराब है, आप ये बता दीजिए। ये इतनी बुरी स्थिति है आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और उस पर कोई एम्बुलेंस पर कोई रोक टोक नहीं है, क्यों भाई? 12,000 एम्बुलेंस, 48,000 एम्बुलेंस लेंगे चार अस्पताल के, उनको मनमानी है। बिकना पहाड़ी से एक शिवा हॉस्पिटल है, वहां पर सोनू है, वो लगातार चाहे डेक्सोना हो चाहे पैरासिटामोल हो, कॉमन आदमी को पप्पू यादव पहुंचाओ भाई, क्यों ये स्थिति? क्यों ये क्यों चलाएंगे एसपीसी बाइक? एकदम कंप्लीट इस पर बैन लगो, इस पर बैन करना चाहिए। जब कह रहे हैं एम्स के डायरेक्टर ये बीमारी का इलाज नहीं है तो रेमडेसिविर को बैन करो, 40,000-35,000 में बिक रहा है। कोरोना के रूम में लैट्रिन बाथरूम वाला सफाई करने वाला कोई नहीं है। एनएमसीएच कोलैप्स कर गया, जांच रिपोर्ट 6 दिनों में आते हैं, लगभग लोग कह रहे डाटा ऑपरेटर नहीं है कहीं, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी गई, ये चिट्ठी ये खुद पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट चिट्ठी लिख रहे, ये दोनों, ये स्थिति। बाहर है सरकार और बाहर है नेता, डॉक्टर काम करेंगे, पत्रकार काम करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन मंत्री संतरी स्वास्थ्य विभाग का जो सीनियर पदाधिकारी है वो मैसेज करता है, कोई मैसेज उसको करता है, वो कहता है कि मैं हेल्पलेस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हेल्पलेस हूं, मैं हेल्पलेस हूं। सुप्रिंटेंडेंट कहता है मैं हेल्पलेस हूं। सरकार मस्त है, मैं हेल्पलेस हूं। कब तक नेपाल से मंगा मंगा ब्लैक में दिया जाए गरीबों को? और यदि रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, और मेरा कहना है कि सिर्फ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, जो होम क्वारंटाइन है मैं डिमांड करता हूं होम क्वारंटाइन के लोगों को छोटा ऑक्सीजन सरकार उपलब्ध कराए, यह डिमांड है पप्पू यादव का। और ये ब्लैक मार्केटिंग करके लाखों अरबों रुपया कमाने वाली इस कंपनी पर बैन करे, इस दवाई को रोक लगे, लूट लिया पूरे देश को ये दवाई। और ये दवाई ये सिबेक्सा कौन लिख रहा है? ये मेरा डिमांड है। और अविलंब क्वारंटाइन जहां पर लोग हैं उसकी व्यवस्था सही सलामत हो, एम्बुलेंस सरकार अविलंब बहाल करे। जदयू के सांसद के पास एम्बुलेंस का ठीका है जहानाबाद, और एम्बुलेंस नदारत है। धन्यवाद।